नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं करिश्मा आपके साथ। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इन दिनों बोधगया दौरे पर हैं और इस बीच गया के बोधगया में एक चीनी महिला के गायब होने की खबर सामने आई थी। इसे को लेकर पुलिस लगातार इस महिला की तलाश कर रही थी और ऐसे में आपको बता दें कि जब से ये महिला गायब हुई उसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गायब चीनी महिला की तस्वीर भी जारी की। तस्वीर जारी करते हुए पुलिस ने लोगों से उस महिला की जानकारी भी वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी को दी भी और इसको लेकर लगातार खोजबीन की गई। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट सामने आया कि जो गायब हुई थी चीनी महिला, गया से उस महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हिरासत में आईबीएस लेकर एटीएस की टीम तक इस लगी हुई थी इस मामले में कि किस तरीके से जो गायब महिला हुई थी उसको जांच पड़ताल की जा रही थी। आखिर उस महिला के गायब होने के पीछे की रीजन क्या है, कैसे गायब हुई, कहां से गायब हुई, इसको लेकर लगातार बिहार पुलिस की टीम लगी हुई थी और इसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी जिसमें गायब चीनी महिला को हिरासत में लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि धर्म गुरु दलाई लामा के जासूसी का मामला भी सामने आ रहा है। पुलिस के विश्वस्त टीम ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है और पुलिस उस गायब महिला जो चीनी महिला है उसे पूछताछ कर रही है मामले को लेकर। और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी और पूरी पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, कहां से आई थी, क्यों आई थी, आखिर इसके पीछे कौन है, जिस तरीके से जासूसी लगाया गया था इस महिला को लेकर तमाम ऐसी कई सारी बातें हैं वो सामने आ रही है। अभी हालांकि अभी पूछताछ में ये पूरा क्लियर होगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, लेकिन जो बातें सामने थी कि ये बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के जासूसी का मामला सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि जैसे ही दलाई लामा के जासूसी मामला जो है प्रकाश में आने के बाद बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया और उस गायब चीनी महिला से गुप्त स्थान तक पूछताछ की जा रही। गुप्त स्थान पर उस महिला से खैर पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारी सामने निकल कर आती है या फिर यूं कहिए कि उस महिला के साथ क्या कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई है जिसको लेकर ऐसा बातें कही जा रही है कि जासूसी का मामला सामने आ रहा है। इस खबर के अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। साथ ही कशिश न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुँच सके। नमस्कार।